अजमेर के अराई थाना क्षेत्र स्थित दौलपुरिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए हमले में वृद्ध महिला की मौत हो गई थी। महिला की मौत के बावजूद मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आज दौलपुरिया गांव का एक पक्ष जल्द गिरफ्तारी की मांग के साथ ही आरोपियों पर ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर अजमेर एसपी कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन सौंपा। दौलपुरिया गांव में मृत महिला के परिवार व ग्रामीणों का कहना है कि जमीनी विवाद को लेकर करतार सिंह व अन्य लोगों ने धारदार हथियार से परिवार पर हमला किया था, जिसमें प्रताप कंवर व अन्य लोग गंभीर घायल हुए थे। इस दौरान प्रताप ने दम तोड़ दिया। इसके बावजूद भी जिला पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की गई और केवल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। राजपूत समाज व ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले को रफा दफा करने में लगी है। ऐसे में अगर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो फिर ग्रामीणों में रोष व्याप्त होगा, जिसकी जिम्मेदार जिला प्रशासन होगी। आरोपी पक्ष द्वारा इस मामले को झूठा बताकर विगत दिनों एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने आज ठोस कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि 11 तारीख को गाँव दौलपुरिया में राजपूत समाज के परिवार श्याम सिंह जी, मूल सिंह जी, राम सिंह जी के परिवार पे कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा घर पर घुसकर हमला किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और वृद्ध महिला की उस मारपीट में मृत्यु हो गई। उन पे जानलेवा पूरा नियत तरीके से उनका पूरा एक राय होकर के उन्होंने हमला किया, उससे एक वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई। उसके बाद में जब पोस्टमार्टम किया गया वाईएन हॉस्पिटल किशनगढ़ में, एफआईआर दर्ज करवाई गई, एफआईआर दर्ज हुई, जैसा कि एफआईआर संख्या 162/2019 में अराई थाने में एफआईआर दर्ज हुई। उसके पश्चात परिजनों ने थाने वालों से, थानेदार साहब से गुजारिश की, निवेदन किया कि मुलजिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और दो मुलजिमों को उस वक्त गिरफ्तार भी किया गया जो उस एफआईआर में नाम दर्ज थे। एफआईआर में 8 लोग नाम दर्ज थे, उनमें से 2 लोगों को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था दिन में। उसके पश्चात दाह संस्कार हुआ, उसके पश्चात कल उन जाति विशेष के लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन देके एक झूठा ज्ञापन दे करके एक माहौल बनाना चाहा, और उसमें झूठा ज्ञापन दे के पुलिस को गुमराह करना चाह रहे हैं, न्यायपालिका को गुमराह करना चाह रहे हैं। वो इस तरीके से गुमराह करके झूठा ज्ञापन ये दे के कह रहे हैं कि एक माँ की हत्या बेटे ने कर दी, छत से गोली चलाई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर पाया गया है कि जो वो हथियार लेके आए थे, धारदार जो हथियार लेके आए थे, उन धारदार हथियार से उस महिला की मृत्यु हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर पाया गया है। जबकि वो लोग अपने परिवारजनों के साथ, अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे झूठा ज्ञापन दे करके ये शो करना चाह रहे हैं कि घर वालों ने वृद्ध महिला की मृत्यु कर दी और झूठा मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, ये सरासर गलत है। और जो पुलिस का मेल लोगो है, आम जन में विश्वास अपराधियों में भय, उसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। आम जन में भय पाया जा रहा है और अपराधियों में विश्वास हो रहा है, ये कौन सी न्यायपालिका है? हम इस न्यायपालिका पुलिस प्रशासन का विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि पूर्ण जोर तरीके से कहते हैं कि गिरफ्तार जो मेन अभियुक्त है, मेन अपराधी है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जय भवानी।